प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर और बेबाक मुस्लिम महिलाओं को। जहां आप एक तरफ देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आते हैं कि साथ ही जाकिर नाइक ने स्टार्ट की, खासतौर पे फीमेल्स को लेकर, कि अगर कोई फीमेल सिंगल है या उसने शादी नहीं की या नहीं करना चाहती तो वो जी बाजारू है, इस किस्म के वर्ड्स क्या भारत में भी बोला करते थे? हाँ, आप तो 22 दिन में परेशान हो गए। आपके यहाँ तो गली कूचे में महिलाएं मैंने देखा कि चप्पल जूता निकाल देंगे। उन महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो क्या मुंह से गटर निकाल रहा है, मुंह से बाहर यहाँ तक बोल दिया है। तो आप 22 दिन में परेशान हुए। हमने 2 डेकेड संभाला है जाकिर नाइक, वो हमारे कलेजे पे चढ़ करके दाल मूंगता था। अभी देखिए ना, हालिया में 5 दिन पहले नौमानी साहब ने, मैं कितनी तारीख की बात कर रही हूँ, 11 तारीख की बात कर रही हूँ, 11 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हाँ 11 अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं। नौमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत बड़े मेंबर है भाई, उन्होंने कहा है कि मुसलमान बेटियां पढ़ने नहीं जाती हैं, अश्लीलता का नंगा नाच करने जाती हैं। और हमारे मुसलमान बेटे कौन से जमाने में रह रहे हैं ये लोग, कौन से जमाने में लोग रहते हैं? नौमानी का पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए कि मुसलमान बेटे इतना पढ़ते लिखते नहीं है तो ये बेटियां पढ़ के करेंगे क्या, इनको ये स्कूल का बस्ता लेकर के जाती है और ओयो रूम में 9 साल की बच्ची अश्लीलता करती है। 9 साल की बच्ची पर इल्जाम लगाया है नौमानी साहब ने, तो हम तो सह रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब नौमानी साहब के खिलाफ हम लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो हमारे ऊपर ही हो जाएगा भाई, कम से कम 50 FIR हो जाएगा। अब अगर मैंने नौमानी साहब नहीं बोला है, मुझे नौमानी को नौमानी नहीं बोल सकती, हालांकि उसने इतनी बदतमीजी वाली बात कही है, 9 साल की बच्ची के बारे में कहा है कि जो बड़ी बुजुर्ग औरतों को पता होता है सेक्स के बारे में वो आजकल मुसलमान बेटियां 9 साल में जानती हैं, ये नौमानी बोला है अपने स्टेटमेंट में। तो अगर मैंने नौमानी बोल दिया तो बस भारत के मुसलमान या तो मेरा करने के लिए खड़े हो जाएंगे, मेरी मॉब लिंचिंग होगी या मेरे ऊपर FIR हो जाएंगे, क्यों तुमने नौमानी साहब क्यों नहीं बोला। और उसकी भी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि इस मामले में बहस चल रही, नेशनल न्यूज डिबेट चल रहा था और एंकर ने नौमानी को नौमानी बोला है, तो एक मुल्ला जो है, जो हलाला एक्सपर्ट है, जो 2012 में छोटी सी बच्ची का मोलेस्टेशन किया था, उसका FIR का कॉपी भी मेरे पास है, आपके चैनल पर भी बैठता है, वो बोला क्या है, अरे तुम लोग तो अपनी देवियों को पूजते हो और फिर उसी का रेप कर देते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे घर के माँ बाप नहीं है क्या जो तुमने नौमानी साहब नहीं बोला, सिर्फ नौमानी कैसे बोला। और वो जो मौलाना है जो आपके चैनल पर बैठता है, 2012 में वही छोटी सी बच्ची का मोलेस्टेशन किया था, जिसका FIR का कॉपी मेरे पास। मगर नाजिया, अगर हम बात करें जाकिर नाइक की, तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक इतना पैसा कैसे बना लिया? आप लोगों ने डोनेशंस दिए, आप लोगों ने भी पैसा दिया होगा, जो इतना पैसा लेकर कहते हैं जी मैं तो करोड़ों के घर में रहता हूँ, मैं तो करोड़ों की गाड़ी चलाता हूँ। मतलब एक तरफ तो ये सादा जिंदगी गुजारने के सारे मुल्ला मौलाना हमें बताते हैं कि जी जिंदगी बड़ी सादा गुजारनी चाहिए और अगली जिंदगी मरने के बाद की कोई कहानी सुनाते हैं, और इनके पास ये करोड़ों रुपया आ कहाँ से जाता है? अब देखिए, हाफिज सईद के पास अरबों खरबों रुपए कहाँ से आता है? कोई बिजनेस करता है क्या, या उसका बेटा कोई इंजीनियर डॉक्टर है क्या? और इंजीनियर डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है। अब देखिए, भारत में मुसलमान हमेशा चीखते हैं, लेट मी कंप्लीट प्लीज, भारत में मुसलमान हमेशा चीखते हैं कि वो बहुत अत्याचारित हो रहे हैं, उनको बहुत डरा करके रखा गया है, पेट में खाना जा रहा है तो सर पे छत नहीं है, छत है तो पहनने को कपड़ा नहीं है। लेकिन ये जो प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं और घर में गोली बम बारूद रखते हैं, और अभी बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के सीने में 35 गोलियां दाग दिया, तो ये कहां से मिला इनको? अब मुस्कान, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे देती हूँ, बहुत सारी दूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मुस्कान
जिसने हिजाब रॉ किया था, हिजाब के बारे में नारे तकबीर कहा था, तो बाद में पता चला ना कि वो अलकायदा की के चीफ की वो कॉन्क्यूबाइन है, तो चल गया ना। तो ये पैसा वहां से आता है, ये प्रदर्शन करना, ये इस्लामिक जलसा करना, ये जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान इस्लामिक जलसा करते रहते हैं फलस्तीन के झंडे के साथ, ये पैसा कहाँ से मिल रहा है इनको? इनको बांग्लादेश के जमात इस्लामी भेज रही है इनको पैसा, और कौन दे रहा है भाई? हम अगर कोई कारोबार भी करते हैं तो किसी को उंगली करने के लिए हम हर महीने 2 लाख तो खर्च नहीं कर सकते। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, और शायद आपके पास भी इतना नहीं होगा। जो लोग खटके कमाते हैं वो 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए किसी को उंगलीबाजी करने के लिए तो नहीं निकाल सकते हैं भाई। तो डेफिनेटली इनको पैसा किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। मैं आपको सपोर्टर्स भी डोनेशन भी मिलते होंगे ना, सपोर्टर्स जो है वो डोनेशन देते होंगे, हमारे यहाँ तो डोनेशन बॉक्सेस भी लगे होते हैं। नहीं नहीं, देखिए मुसलमान, उसकी भी मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल दे देती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अरबों खरबों रुपए डोनेशन हिंदुओं ने किया, कोई सरकार का चवन्नी नहीं लगा है अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए। हिंदुओं ने, भारत के हिंदुओं ने अरबों खरबों रुपए डोनेशन दिया और भव्य राम मंदिर इतना खूबसूरत बनकर के खड़ा हो गया। और सेम डे सर्वोच्च न्यायपालिका ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए जो 27 एकड़ जगह दिया था, सॉरी 24 एकड़ जो जगह दिया था, चौबीस एकड़ जो जगह दिया था, आज तक उस पर एक ईटा नहीं रखाया है। क्यों? क्योंकि डोनेशन मुसलमानों की तरफ से पूरे भारत में मिला करके सिर्फ 1 करोड़ आया है। अब 1 करोड़ में तो 24 एकड़ की मस्जिद तो नहीं बन सकती ना। सही। तो मुसलमान जो है वो बारात जब निकालते हैं ना तो ऐसे करके पैसा लुटाते हैं। जब ईद मिलादुन्नबी करते हैं ना, मिलाद या नबी सलाम अलैका, जब वो करते हैं ना तो मुफ्ती पर पैसा उड़ाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब मुसलमान बेटी की शादी के लिए बोलो 500 रुपया देंगे, मस्जिद बनाने के लिए बोलो 10 रुपया देंगे, मजार में जाकर के 15-15 लाख का चांदी का गेट डोनेट करेंगे, लेकिन मस्जिद के लिए, किसी की एडुकेशन के लिए, किसी डिसेबल बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं देते। तो डोनेशन इनको लोगों से चंदा करके नहीं आ रहा, क्योंकि डोनेशन में क्या आता है? 10 रुपया 5 रुपया, कुछ लोग तो 2 रुपए भी ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, 2 रुपए भी डालते हैं। तो डोनेशन से ये पैसे नहीं आ रहे, ये पैसे जमात इस्लामी से आ रहे हैं, ये पैसे जैश मोहम्मद से आ रहे हैं, ये पैसे अलकायदा से आ रहे हैं, ये पैसे खालिस्तान ही दे रहे हैं, ये पैसे जस्टिन ट्रूडो दे रहा है, ये पैसे चाइना दे रहा है। मगर नाजिया क्या लास्ट में पूछना चाहूंगी, आप लोग तैयार नहीं करो वाघा बॉर्डर से वापस दे दें जाकिर नाइक को? चाहिए आपको? दे दीजिए ना प्लीज, मैं तो बुला रही हूँ। आ, 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 प्लीज आप। नहीं सीरियसली, भारत वापस लेने को तैयार इसलिए कि वो हमसे मांगते रहते हैं ना, कभी आप ऐसे दे दो, कभी क्या दे दो। तो सबसे पहले अगर हम जाकिर नाइक से बिस्मिल्लाह करें और कहें जी ले लीजिए, नहीं तो क्या तैयार है? आरजू जी, हमेशा बिस्मिल्लाह के बाद बरकतुल्लाह होता है। और हमारे यहाँ अभी दिवाली का बोनस चल रहा है, ठीक है, दिवाली का बहुत ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, 1 buy 1 get 1 फ्री बहुत चल रहा है। तो एक जाकिर नायक के साथ एक हाफिज सईद फ्री में दे दीजिए हमें। सीरियसली आप लोग तैयार है लेने के लिए? एकदम, बोलिए कब आना है वाघा बॉर्डर, बताइए, मैं आती हूँ। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को जाकिर नाइक को बजाय वापस मलेशिया भेजने के भारत के हवाले कर देना चाहिए, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और वही जैसे आप कहेंगे साथ साथ हाफिज सईद भी दे देंगे, कोई बात नहीं, एक के साथ एक बहुत। मैं आरजू जी इस पर मैं आपको बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मलेशिया अब जाकिर नाइक को नहीं रखेगा। और वो भाई, हम तो कहीं जाते हैं तो 3000 kg सामान लेकर नहीं जाते। 1 महीने के सफर में अगर हम कहीं जाते हैं तो हम तो 3000 kg सामान लेकर नहीं जाते हैं। मलेशिया से उसको कुत्ते की तरह लात मार करके भगा दिया जा चुका है, और उसामा बिन लादेन की तरह उसको तहखाने में रखा जाएगा 1 महीने के बाद, और चर्चा कर दी जाएगी पाकिस्तान के सामने कि वो चला गया। जो जाकिर नायक को ये पूरी दुनिया एक गेस्ट हाउस में रूम देने को तैयार नहीं है, उसको पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाया है।
मगर इंसल्ट भी तो कितनी की, आप देखेंगे उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई जो पहले लोग समझा करते थे। जनता ने किया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान की जनता का कि उन्होंने करने की हिम्मत दिखाई, कि वो अगर गलत बोला है तो उन्होंने अपनी जुबान अपना अपना वोकल अंदाज दिखाया है। और इस कहीं ना कहीं हम भारत के लोगों को भी और मुस्लिम कंट्रीज को भी पता चला है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश में जो युवा पीढ़ी है वो इस्लाम जानती है अच्छे से। बिल्कुल, ये हम लोगों को भी अब फील हुआ, नहीं तो हम लोग पहले यही सोचते थे कि अरे ये लोग इस्लाम भी नहीं जानता है, खाली बंगाली बारूदी जानता है। लेकिन नहीं, अब हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ, हमारा भी जो इंक्यूजिटिवनेस था वो भी क्लियर हुआ कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी जो होती है उनको इस्लाम बहुत अच्छे से पता है और काउंटर कर करके उसकी पैंट गीली करवा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आई विश कि कभी जाकिर नायक जो है वो मेरे चैनल पर भी आए और मैं और नाजिया बैठ के उनसे कुछ सवाल करें, 3-4-5 सवाल होंगे लेकिन करें। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है, लेकिन खैर मैं कोशिश फिर भी जारी रखूंगी और अगर कामयाबी मिली तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ऐसा ही करेंगे, मेरे 5 सवाल है, उनमें से 2 मैं कर लूंगी, 3 आप कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखते हैं जाकिर नायक साहब को, हम दोनों की तरफ से चैलेंज है कि अगर वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे आ सकते हैं तो आ जाए, और अगर डरते हैं भाग जाना चाहते हैं तो फिर भाग जाए, यही हो सकता है। बहुत शुक्रिया नाजिया। तो है ही है, ये तो समझ में आ ही चुका है। हाँ। जहां पर भी उसका भेद खुलने लगता है, हिजाब खुलने लगता है, वो वहां से भाग जाता है। तो उसका नाम एक्चुअली में डॉक्टर जाकिर नायक नहीं है, उसका एग्जैक्ट नाम जो है वो भगोड़ा जाहिल नालायक है। और मेरा और आरजू जी का जो भगोड़ा जाहिल नालायक को चैलेंज है कि अगर हिम्मत है पिछाड़ में तो आओ हमारे साथ बैठो। हाँ, और सिर्फ 5 सवालों के जवाब दे, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 5, ठीक है ना। थैंक यू सो मच नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा दोनों ने मिलकर भगोड़े जाकिर नायक की पूरी तरह से क्लास लगा दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।